नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जो शिव नागराज वासुकी का हार पहने हुए हैं, तीन नेत्रों वाले हैं, भस्म की राख को समस्त शरीर में लगाए हुए हैं, महान ऐश्वर्य संपन्न वो शिव नित्य अविनाशी तथा शुभ है। दिशाएं जिनके लिए वस्त्रों का कार्य करती है, ऐसे नकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार कर ऐसे अविनाशी महादेव की महिमा जानने आज भी घुमक्कड़ की टीम पहुंच चुकी है देवभूमि की उस पावन धरा पर, जहां कदम रखने मात्र से पापियों के पाप मिट जाते हैं, जहां मुसीबत के मारों का संकट महादेव दर्शन मात्र से हर लेते हैं। ये कोई और नहीं दंडेश्वर महादेव है। भगवान भोलेनाथ का ये अद्भुत अविश्वसनीय रूप अल्मोड़ा से कुछ ही दूरी पर जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रास्ते में मौजूद है। जब आप जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपके कदम सबसे पहले आकर यहाँ पर रुक जाते हैं। ये है दंडेश्वर महादेव का मंदिर। देश दुनिया से लाखों भक्त जब जागेश्वर आते हैं तो यहाँ पर रुककर दर्शन करना अक्सर भूल जाते हैं, तो आज बीन घुमक्कड़ आपको शिव के उस चमत्कारी रूप के दर्शन करवाने जा रही है। अभी के लिए मैं बस आपको इतना बता दूं कि महादेव यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान नहीं, शिवलिंग रूप में नहीं तो महादेव यहाँ किस रूप में रहते हैं? शिवलिंग के अलावा महादेव का धरती पर कौन सा रूप विद्यमान है? देवभूमि में शिव के किस रूप से लोग अनजान हैं? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने बिंगुमक्कड़ ने देवदार के वृक्षों से घिरे दंडेश्वर महादेव का चारों ओर से मुआयना किया। कुछ देर बाद पता चला दंडेश्वर महादेव का मंदिर जागेश्वर समूहों का ही एक हिस्सा है। हालांकि दंडेश्वर समूह में छोटे बड़े कुल 14 मंदिर हैं। परिसर में प्रवेश करते ही दाईं ओर से मंदिरों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। यहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर एक छोटे से पुल से होकर मुख्य मंदिर तक जाना पड़ता है, जो दो छोटी स्थानीय नदियों के संगम पर बना है। मंदिर परिसर के अंदर घुसते ही आपको सबसे पहली चीज जो यहाँ पे दिखेगी वो है इन दो नदियों का संगम। ये है इस तरफ जटायु गंगा और इसके ठीक सामने है दूध गंगा, और इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पर हो रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और ये जो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है बीच में ये इन दोनों तरफ के मंदिरों को जोड़ता है। ये भी इस मंदिर का ही हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ठीक इसी तरह जब उस तरफ से आप ब्रिज पार करते हुए दूसरी तरफ को जाएंगे तब आपको और भी छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे जहाँ पे शिवलिंग स्थापित हैं, और एक बड़ा मंदिर जो मुख्य मंदिर है दंडेश्वर मंदिर वो भी दूसरे हिस्से में ही बना हुआ है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे देवदार के पेड़ से ये मंदिर घिरा हुआ है हर तरफ से। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत शांति है, सुकून है यहाँ पे। आप जब आएंगे मंदिर परिसर में आते ही आपको एक अलग सी अनुभूति होगी, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। वो ऊपर वहाँ पे कुबेर मंदिर स्थित है। ये पूरा मंदिर परिसर है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये। तो चलिए अब इसके बाद कुबेर मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। मंदिर का नाम कुबेर जरूर है, लेकिन वहाँ भी हमें शिवलिंग के दर्शन हुए। हो सकता है प्राचीन समय में यहाँ कुबेर देवता विराजते हो। इसके पीछे की क्या महिमा है ये कोई नहीं जानता। पुराणों के मुताबिक कुबेर शिव के द्वारपाल है। फिलहाल अब महादेव के उस रूप को देखने चलते हैं जो मुख्य गर्भगृह में विराजते हैं। उन्हें लोग अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक दंडेश्वर, डंडेश्वर या डांडेश्वर आदि नामों से पुकारते हैं। सत्य ये है कि भस्मधारी महादेव का इस विशाल मंदिर में अनोखा स्वरूप बसता है। इस स्वरूप के दर्शनों के लिए बिंगुमक्कड़ की टीम विशाल मंदिर के सामने पहुंच चुकी थी।
ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यही दंडेश्वर मंदिर है। ये इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा और विशाल मंदिर है। इसके अलावा जो छोटे मंदिर हैं यहाँ पर, उनमें कुछ मंदिरों के भीतर शिवलिंग स्थापित हैं तो कुछ मंदिरों के भीतर चतुर्मुख लिंग। बिना देरी किए अब अंदर चलिए जहाँ महादेव का शिवलिंग रूप नहीं है। देखिए भोलेनाथ यहाँ किस रूप में विराजे हैं। क्यों चौंक गए ना? हम भी आपकी तरह यहाँ आकर चौंक गए थे, क्योंकि ये शिवलिंग नहीं महादेव का पिंडी या शिला रूप है, या यूं कहें ये शिव की आराम मुद्रा का स्वरूप है। दंडेश्वर मंदिर का गर्भगृह ये है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ महादेव पिंडी के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। ये वो अलौकिक रूप है महादेव का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये कोई छोटी पिंडी नहीं है, काफ़ी बड़ी पिंडी के रूप में यहाँ पे विराजमान है महादेव। साथ में शेषनाग भी हैं यहाँ पे, और महादेव का त्रिशूल और डमरू भी दिख रहा है। और इस तरफ मंदिर में और भी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पे श्री गणेश की प्रतिमा है, साथ में यहाँ पे शिवलिंग भी हैं और नंदी बैल भी यहाँ पे स्थापित हैं। यहाँ पे भक्त आते हैं दूर दूर से, जो भी जागेश्वर के दर्शन करने के लिए आता है वो यहाँ पर रुक के पूजा करके ज़रूर आगे बढ़ता है। अक्सर लोग यहाँ पे रुकना भूल जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो सीधे जागेश्वर के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दंडेश्वर में रुक के यहाँ पे महादेव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जागेश्वर की तरफ आएँ तो फिर दंडेश्वर में रुकना मत भूलिएगा। अभी भी घुमक्कड़ की टीम दंडेश्वर महादेव के दर्शन कर ही रही थी कि तभी हमारे कैमरे के एक्शन को भूलकर वो मेहमान दंडेश्वर महादेव की पिंडी पर चला आया, जिसे यहाँ देखा जाना बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं एक कबूतर है। बहुत कम होता है कि इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद हो पाती है। ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं। एक कबूतर ये पिंडी के ऊपर बैठ के दाना चुग रहा है। ये काफ़ी अद्भुत दृश्य माना जाता है, क्योंकि अमरनाथ में भी कबूतर के जोड़े पाए जाते हैं जो वहाँ पे शिव के धाम में वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसा ही यहाँ पे भी हमें एक दृश्य देखने को मिल रहा है जहाँ पिंडी के ऊपर कबूतर बैठ के दाना चुग रहा है। अक्सर जहाँ भी शिव मंदिर होते हैं वहाँ पर दो या तीन कबूतर हमेशा रहते हैं। यहाँ पर भी दो तीन कबूतर हमेशा दिखाई देते हैं। आप हमें बता रहे थे कि आप अमरनाथ गए थे, वहाँ का भी कुछ कबूतर कनेक्शन? अमरनाथ में भी दो तीन कबूतर हमेशा देखे गए, वहाँ भी हमने यात्रा की और वहाँ भी देखे। महादेव के अद्भुत और अनोखे रूप के आपने दर्शन कर लिए, अब उस कथा के बारे में जानिए जिससे शिव यहाँ पिंडी रूप में विराजे। एक दंत कथा के मुताबिक सतयुग में महादेव इस सुंदर क्षेत्र में कैलाश जाते वक्त तपस्या करने लगे। इस दौरान कुछ ऋषियों की पत्नियां शिव के नीले रूप पर मोहित हो गई। जब ये बात ऋषियों को पता चली तो उन्होंने शिव को दंड देते हुए शिला में बदलने का श्राप दे डाला। तब से शिव यहाँ पर इसी रूप में विराजत है। भारत में ऐसे कम ही स्थान है जहाँ शिव का पिंडी या शिला रूप विराजमान। ये तो इस पवित्र स्थान की पौराणिक कथा थी। ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं दंडेश्वर महादेव का मौजूदा मंदिर कत्यूरी शासनकाल में बना। मंदिर के बाहर एक शिलालेख लगा है जो पुख्ता रूप से तो नहीं, लेकिन ये बताता है कि इसका निर्माण 9वीं से 10वीं सती ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि ये बात सही भी प्रतीत होती है। जब आप दंडेश्वर मंदिर की बनावट को गौर से देखेंगे तो आपको कत्यूरी शासनकाल की झलक साफ दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह कत्यूरी काल की कलाकृतियां बनी। इतिहासकार बताते हैं कि इस तरह की छवियां उसी काल में बनती थी।
ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि मंदिर की दीवारों पर बनी छवियां कत्यूरी राजाओं की कुल देवी से मिलती जुलती है। अगर आप भी दंडेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंच जाइए। अल्मोड़ा से करीब 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर के पावन क्षेत्र की शुरुआत में ही है दंडेश्वर महादेव। उम्मीद करते हैं कि बिंघुमक्कर की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। फिलहाल एक नई यात्रा पर चलते हैं, क्योंकि चलते रहेंगे तभी तो आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाते रहेंगे।